चाइनीज़ में आपका इस्तकबाल है। एक खबर कोरोना से फौत होने वाले मरीजों को लेकर, जिनकी तदफीन का इंतज़ाम किया जा रहा है महबूब नगर के एक तंजीम की जानिब से। महबूब नगर के महल मक्का मस्जिद के मशरक जानिब वाक़ पहाड़ी इलाके से मुत्तसिल एक साहिब खैर की जानिब से खरीद कर मुस्लिम कब्रस्तान के लिए वक्फ करदा 2.5 एकड़ ज़मीन को मक्का मस्जिद कब्रस्तानों के इंचार्ज मोहम्मद अब्दुलरहीम ने साल गुज़िश्ता कोविड यानी कोरोना के मर्ज से इंतकाल कर जाने वाले मैयतों की तदफीन और उनको नहलाने के लिए बोरवेल की तंसीब और एक कच्चा गुसलखाना तामीर करके मैयतों को नहलाने का काम अंजाम देते आ रहे थे। इसी दौरान तैयब बाशवार अलमुजरी और उनकी टीम ने समाजी खिदमात अंजाम देने वाली अहल खैर ट्रस्ट के जुनेद शरीफ और मोहम्मद फहीम के साथ मिलकर अवामी गुसलखाने को मॉडर्न गुसलखाने में तब्दील करते हुए अपने फलाही कामों का एक और संग मेल पार किया। महबूब नगर यूथ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता नौजवानों की एक टीम ने खालिद नवीद की निगरानी में गुज़िश्ता साल से मुसलसल कोरोना वायरस का शिकार मैयतों को नहलाने और दफनाने का काम अंजाम देते आ रहे हैं। मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिला महबूब नगर व सैयद सादतुल्लाह हुसैनी मजलिस फ्लोर लीडर व सदर टाउन मजलिस मोहम्मद मोहसिन कौंसलर बल्दिया ने मॉडर्न गुसलखाने का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद महबूब नगर यूथ वेलफेयर और अहल खैर ट्रस्ट तैयब बाशवार टीम और इंचार्ज कब्रस्तान मोहम्मद अब्दुलरहीम की शाल पोशी करते हुए इन नौजवानों की मिली जज्बे और कोरोना वायरस से होने वाली इम्कानी जानी खतरे की परवाह किए बगैर अल्लाह की खुशनुदी के लिए गुस्ल कफन व दफन का इंतजाम करने पर दिली मुबारकबाद पेश करते हुए इंसानी जानों की दुश्मन वबा के खात्मे की दुआ की। इस मौके पर मुतज़क्किरा सदर असहाब के अलावा वही सना सजू पहलवान मोहम्मद फरीद नायस अदीब शादान कादरी जुनेद मुनव्वर इब्राहिम अतीक आमिर एजाज और नौजवानों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। मज़ीद खबरों के लिए हमारा हिचाई चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारे खबरों की पहली नोटिफिकेशन हासिल करें। महबूब नगर ने बाशवार टीम और अहल खैर ट्रस्ट यूथ वेलफेयर बाशवार टीम और रहीम यूथ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन खालिद नवीद उनकी टीम की जानिब से महबूब नगर के मक्का मस्जिद महल्ले में न सिर्फ जिले भर के कोविड से इंतकाल कर जाने वाले मरीजों की तदफीन बल्कि उनके गुस्ल का भी इंतजाम किया गया है। ऐसे वक्त जबकि खुद रिश्तेदार बाप बेटा बहन भाई अपने कोविड से मुतासिरा लोगों से दूर हैं, वैसे में इन नौजवानों का जज्बा काबिल सताइश है। अल्लाह ताला उनको अजर दे इस काम का कि लोग गुज़िश्ता साल से मुसलसिल इस काम को अंजाम देते आ रहे हैं। अल्लाह से हमारी ये दुआ है कि अल्लाह इस वबा को उठा ले और जल्द से जल्द लोगों को सेहत याब करे। जो लोग भी दवाखाने में इस वक्त से मुब्तला हैं उनको सेहत याब करे और उनके वारिसों को इस बात की तौफीक दे कि वो अपने जो भी इंतकाल कर जा रहे हैं उनकी वो खिदमत कर सकें और दवाखाने में खिदमत से लोग भाग रहे हैं। और ऐसी वबा है कि अल्लाह में लाखों रुपये दवाखाने में खर्च हो रहे हैं, उसके बाद इंतकाल हो जा रहा है। ऐसे मरने मर के घर वालों को जेरबार करके जाना पड़ा है। इफ़ात अल्लाह से मेरी दुआ है, पुरखलूस दुआ है कि अल्लाह इनकी खिदमत के तुफेल में अल्लाह तमाम मरीजों को शिफा दे दे और इस कब्रस्तान को बजाय कोविड के आम लोगों का कब्रस्तान बना दे।